ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है, जहां पलवल में दिए गए अपने भाषण में उन्होंने हिमाचल प्रदेश चुनावों में किए गए कांग्रेस के वादों को लेकर सवाल उठाए और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की। कांग्रेस पार्टी आप लोगों को बोलेगा कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन हरियाणा से हिमाचल कितना दूर है? हिमाचल प्रदेश का जब चुनाव आए थे, ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हिमाचल गए थे और क्या बोले थे कि सरकार आने से हम माताओं का बैंक अकाउंट में 1500 रुपया देने का काम करूंगा। लेकिन आज आप कोई भी हिमाचल में मोबाइल फोन करके पूछ लीजिए कि किसी का बैंक अकाउंट में रुपया आते हैं क्या। लेकिन आज मेरा सरकार असम में है, मोदी जी का सरकार असम में है, मोदी जी का सरकार मध्य प्रदेश में है, मोदी जी का सरकार छत्तीसगढ़ में है और हमने वादा किया था चुनाव का पहले कि माता का बैंक अकाउंट में रुपया आएगा और तीनों सरकार में हर महीना माता का बैंक अकाउंट में रुपया आते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में रुपया नहीं आते हैं। मैं राहुल बाबा को बोलना चाहूंगा, अगर हिमाचल में आप झूठ बोल सकता है तो आप देश में और कौन सा स्टेट में जाके सच बोलेगा? हरियाणा का हमारे भाई और बहनों को मालूम था और आप लोगों का याद है लोकसभा चुनाव में वो क्या बोले थे कि हमको वोट दीजिए, हम खटाखट 8,500 रुपया आपका बैंक में डाल दूंगा। किसी को मिला है क्या? न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।